नमस्कार, मैं हूं डीजी और आपका स्वागत है गपशप न्यूज पर। पाकिस्तान में प्रमुख विपक्षी नेता और पूर्व पीएम नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। पाकिस्तान के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अध्यक्ष शहबाज शरीफ पर 7 अरब रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। सोमवार को लाहौर हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद से कोर्ट परिसर से ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। शहबाज को भ्रष्टाचार रोधी इकाई राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो के अधिकारी लाहौर हिरासत केंद्र ले गए। उन्हें रिमांड के लिए जवाबदेही अदालत में पेश किया जाएगा। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट परिसर में बड़ी संख्या में पीएमएलएन के कार्यकर्ता भी पहुंचे थे। पुलिस ने भी आपात स्थिति में निपटने के लिए सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए थे। सरदार अहमद नईम की अध्यक्षता वाली लाहौर हाईकोर्ट की 2 सदस्यीय पीठ ने एनएबी की टीम और शहबाज के वकीलों की दलील सुनने के बाद शहबाज की जमानत याचिका खारिज कर दी। इमरान खान सरकार ने पिछले सप्ताह 59 वर्षीय शहबाज और उनके परिवार के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दायर किया था। शहबाज शरीफ 2008 से 2018 तक पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री थे। प्रधानमंत्री इमरान खान के आंतरिक और जवाबदेही मामलों के सलाहकार शहबाज अकबर ने 23 सितंबर को आरोप लगाया था कि शहबाज और उनके बेटे हमजा तथा सलमान ने फर्जी खातों के जरिए लॉन्ड्रिंग को अंजाम दिया, जिसके बाद दायर मुकदमों की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आज शरीफ की याचिका को खारिज किया है। शहबाज ने अपनी गिरफ्तारी से पहले मीडिया से कहा कि प्रधानमंत्री इमरान खान उन्हें गिरफ्तार कराना चाहते थे। उन्होंने कहा कि ये इमरान और एनएबी का अपवित गठबंधन है जो मुझे सलाखों के पीछे भेजना चाहता है। इससे पहले भी जब शहबाज कोरोना वायरस से संक्रमित हुए थे, तब उन्हें एनएबी और इमरान खान के ऊपर खुद को जानबूझकर संक्रमित करवाने का आरोप लगाया था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।